लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस हाँ के पीछे काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। वर्कआउट ख़त्म होता था तो वहाँ पे जितने भी डंबल्स होते थे सब कुछ होता था, मुझे सब रखना पड़ता था, मुझे इवन वहाँ के शीशे साफ़ करने पड़ते थे। उनकी गाड़ी होती थी, गाड़ी में मैंने कितनी बार उनका कपड़ा मारा है। जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे फादर को हार्ट अटैक आ गया। नमस्ते, मेरा नाम हर्षित पांडे है और मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। इस लेवल तक आने के लिए मैंने जितना कुछ किया, मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं 12th क्लास में पढ़ता था और मेरा वेट था 42 kg। इसलिए था क्योंकि मुझे अल्सर जैसी बीमारी थी। 5.5 सेंटीमीटर्स के 3 अल्सर्स मेरे पैनक्रियास के पास थे। तो जैसे जैसे टाइम पास आता गया मैंने अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करे। एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद जब मैंने कॉलेज में एंट्री ली तो वहाँ जाकर मैंने देखा कि एक वीक बंदा कैसा होता है और एक हेल्दी बंदा कैसे होता है। हेल्दी और वीक में बहुत फ़र्क होता है। अगर हेल्दी कुछ भी पहनता है तो लगता है हाँ कि उसने कुछ पहना है, और एक वीक बंदा जो होता है उसको सब टोंट करते हैं। तो कहीं ना मेरे मन में वो बात थी कि यार मतलब मैं इतना सब कुछ खाता हूँ और मेरे को कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है। मेरा एक फ्रेंड था अनिल, उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुझे जिम स्टार्ट करना चाहिए। तो जिम जाने के लिए जब मैंने देखा कि हाँ मतलब अंदर अगर आप जाते हो तो आपको फ़ीस पे करना पड़ता है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था, मेरे फादर एक प्राइवेट स्कूल में क्लर्क है और मदर हाउस मेकर है, एक छोटी सिस्टर है। तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था 500 रुपये जो जिम की फ़ीस थी उस टाइम पर। तो मेरे कोच हुआ करते थे वीर भोई जी जो हैं आज। मैं गया, मैंने उनसे बात की। पहले तो शर्म आई कि मैं कैसे बात करूँ, लेकिन जब गया थोड़ी देर खड़ा रहा, उन्होंने पास बुलाया, पूछा तो मैंने सारी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे था, ये सब था। तो उन्होंने भी एक भावपूर्ण अपना सर ऐसे हिलाया और कहा ठीक है तू आ जा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस हाँ के पीछे काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। मैं वर्कआउट करने जाता था, वो मुझे थोड़ा बहुत गाइड करते थे कि ऐसा करना है, ये करना है, ये सब करना है। होता क्या था, जब वर्कआउट ख़त्म होता था तो वहाँ पे जितने भी डंबल्स होते थे सब कुछ होता था, मुझे सब रखना पड़ता था, मुझे इवन वहाँ के शीशे साफ़ करने पड़ते थे। उनका कुछ भी सामान होता था, कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह होते थे, यहाँ से वहाँ मेरे को भेजना होता था। तो इन रिटर्न जो फ़ीस मेरे को पे करनी होती थी वो मैं नहीं करता था, इन रिटर्न मेरे से वो सब काम करवा लेते थे। साथ ही साथ उनकी गाड़ी होती थी, गाड़ियों में मैंने कितनी बार उनका कपड़ा मारा है। बस मन में ये था कि हाँ मुझे फ़िट होना है, बॉडी बिल्डर नहीं बनना। बॉडी बिल्डर तो एक अलग पार्ट था, वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया अपना वर्कआउट तो धीरे धीरे मेरी बॉडी में ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। 42 से 45, 46, 50 kg तक मैं पहुंच गया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इवन एक जोनल कंपटीशन आ रहा था तो मेरे कोच को कहीं ना कहीं लगा कि इसमें पोटेंशियल है, ये कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि हर्षित तू ट्रायल के लिए एक कॉम्पिटिशन खेल ले। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मैंने कहा ठीक है। मैं गया, स्टेज पर चढ़ा और कह सकते हो स्केल्टन अच्छा था या कुछ भी अच्छा था। उस जोनल कंपटीशन में मेरा गोल्ड मेडल आया। तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि लाइक मैंने थोड़ा बहुत वर्कआउट किया और यहाँ आने के बाद मेरा एक गोल्ड मेडल जोनल लेवल पे मुझे मिला है। तो बहुत खुशी हुई इस बात की। फिर मैंने अगला जो मेरा टारगेट था वो था YMCA, जो कि एक स्टेट लेवल से ऊपर होता है। उस प्रैक्टिस के लिए जब मैं करने जा रहा था तो मेरे कोच ने मुझे बुलाया, कहा हर्षित ये जो लेवल है ना इसमें काफ़ी कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा, काफ़ी कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, हार्मोन्स लेने पड़ेंगे। तो उसका जो खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं जब कॉलेज जाता था तो मेरी माँ मुझे मतलब 35 रुपये देती थी कि तू जा। और तो वो जो 35 रुपये थे ना वो एक डाइट थी मेरी। मैं जाता था, मतलब मैं बस में जाता था लेकिन मैं टिकट नहीं ले पाता था क्योंकि उसमें डाइट नज़र आती थी। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे उसने उतार दिया है, मतलब बस से कि जा। बहुत फील होता था कि मतलब मैं उस 35 रुपये में अपना 10 रुपये का पनीर लेता था, 20 रुपये मेरे बचते थे, उसमें मैं चिकन लेता था और मैं खाता था। 5 रुपये फिर भी मैं बचा लेता था कि हाँ चल नेक्स्ट डे काम आएंगे। ऐसा चल रहा था काफ़ी टाइम तक, ऐसा चल रहा था। तो जब YMCA की मैं तैयारी कर रहा था, मेरे कोच ने मुझे एक सप्लीमेंट का डब्बा दिया, वो भी मैंने खाया। मेरा एक फ्रेंड था अनिल, उसका खुद का काम था, मतलब अंडे वगैरह वो सप्लाई करता था, तो वो मुझे हर वीक 2-3 ट्रे देता था। तो मतलब नेचुरली बॉडी में ग्रोथ इतनी अच्छी हुई कि YMCA के अंदर मैंने गोल्ड मेडल जीता। और जब स्टेज पे था कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने गोल्ड मेडल जीता, और लिटरली सबके सामने मैं रोने लग गया। तो मेरे कोच आए, उन्होंने मतलब मुझे गले लगाया और बोला ये तो एक स्टार्ट है, तेरे को भी बहुत आगे जाना है। तो ये टर्निंग पॉइंट था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो जब मैं आगे कर रहा था, सितंबर के बाद जब मैंने आगे बढ़ने के लिए सोचा, अभी DBBF कप है, फेडरेशन कप है, नॉर्थ इंडिया खेलना है, नेशनल खेलना है, काफ़ी कंपटीशन थे। लेकिन जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे फादर को हार्ट अटैक आ गया। काफ़ी मतलब बहुत बेकार टाइम था वो। तो मैंने गेम जो थी वो ड्रॉप करी। मैंने 6-7 महीने गेम करी नहीं। तो फिर मेरे कोच ने मुझे बुलाया कि तू आ, प्रैक्टिस कर, हम देखते हैं क्या हो सकता है। कर रहा था, धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, करता रहा। कंपटीशन आया फेडरेशन कप, उसकी प्रिपरेशन करी। उस फेडरेशन कप में मैंने गोल्ड मेडल जीता। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इतना सब हुआ, उसके बाद भी मैंने गोल्ड मेडल जीता है। फिर आगे बढ़ने के लिए पता लगा कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है कि आप नॉर्मल सप्लीमेंट्स से आप किसी को बीट नहीं कर सकते। अगर आपको जाना है तो आपको बहुत कुछ बॉडी के अंदर स्टोर करना पड़ता है। फिर जॉब सर्च करना स्टार्ट किया। मैं कॉलेज नहीं जाता था, क्यों? क्योंकि माइंड में आ गया है यार मुझे कुछ करना है। इंडिया का जो टॉप बॉडी बिल्डर है, मैं गूगल पे सर्च करता था, यूट्यूब पे वीडियोस देखता था। एक है संग्राम चौगले, उनको मैं स्टार्टिंग से फॉलो करता था। मैं देखता था ये है, मुझे ऐसा लगता था कि यार इस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। जॉब सर्च की, जॉब कहीं नहीं मिली। फिर दिल्ली में एक होटल है ITC मौर्या, वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट्स देखे कि जोनल में गोल्ड है, YMCA में गोल्ड है, फेडरेशन कप में गोल्ड है। उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया और उस टाइम उन्होंने मेरे को 16,000 रुपीज़ पे किया। तो 16,000 का जो अमाउंट था मेरे लिए बहुत था। मैंने फिर तैयारी स्टार्ट करी। मैं तैयारी स्टार्ट कर ही रहा था कि सपोर्ट कोई नहीं करता था पीछे से। मतलब पेरेंट्स भी बोलते थे तू कर क्या रहा है, कुछ तो इसमें रखा नहीं है, तू मेडल लेके आता है, इस मेडल का फ़ायदा क्या है, आगे के लिए कुछ है नहीं, स्कोप कुछ नहीं है बेसिकली इसमें। तो मेरे फादर को तो ये गेम बिल्कुल पसंद ही नहीं थी, लेकिन मैं चुपके फिर भी करता था। तो काफ़ी मेडल्स मैंने जीते। एक कंपटीशन था जब मैं तैयारी कर रहा था नॉर्थ इंडिया की, तो मम्मी ने कहा कि कहीं ना कहीं ये कुछ कर रहा है। तो मेरी मदर, मेरे मामा जी, मेरी सिस्टर और वो मेरे पापा को भी लेके आए उस कंपटीशन में। नॉर्थ इंडिया कंपटीशन था, द्वारका के अंदर था। डेट थी 9 अक्टूबर 2016। मैं स्टेज पे था, कंडीशन काफ़ी अच्छी थी बॉडी की। लेकिन जब मैं पहले राउंड में बाहर हुआ तो इवन मुझे खुद रोना आ गया कि मतलब आज तक जो मैं ये सब कर रहा था, मतलब पेरेंट्स सही कह रहे थे कि तू कर क्या रहा है। मैं बाहर हो गया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बैक स्टेज किया, बहुत अजीब सा लगा कि करूँगा। लेकिन जब मेरी नेक्स्ट कैटेगरी आई बॉडी बिल्डिंग की, तो बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी में मेरा अपने वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल था। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार, मतलब जो मैं कर रहा था, जिस चीज़ के लिए मुझे अच्छा लगा। फिर एक ओवरऑल टाइटल होता है, उसमें करीब 300+ बॉडी बिल्डर्स थे। वो ओवरऑल टाइटल मैंने जीता नॉर्थ इंडिया का 2016 में। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाया। मेरे फादर को कभी ये गेम पसंद नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने वो ट्रॉफ़ी होल्ड करी अपने हाथों में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो मोमेंट था मेरी लाइफ का, बहुत अच्छा पार्ट था। फिर मैंने जब स्टार्ट किया कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो आगे के लिए मैं गेम करता रहा। फिर पता लगा नेशनल लेवल के लिए जाना है। नेशनल लेवल के लिए काफ़ी आपको बैक सपोर्ट चाहिए। तो ITC में काफ़ी क्रिकेट टीम्स आती थी, जिनको मैं वार्म अप स्ट्रेच वगैरह में नॉर्मल कराता था इनिशियली। तो कोच थे विराट कोहली जी, तो उनसे काफ़ी अच्छा लिंकअप हो गया था डेली बेसिस पे बात करते करते। तो एक बार उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि तू क्या बॉडी बिल्डिंग करता है? मैंने कहा हाँ भैया, मैं बॉडी बिल्डिंग तो करता हूँ, लेकिन आगे कोई स्कोप नहीं है, इतना एक्सपेंस हो जाता है, इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तो पूछा उन्होंने मतलब क्या कॉस्ट आती है अगर तू ये करेगा? तो मैंने मतलब नॉर्मली ऐसे उनको बताया कि 3 to 4 लाख लग जाते हैं अगर आप एक नेशनल लेवल के लिए आगे खेलते हैं। तो नेक्स्ट डे था, उन्होंने मेरे को 2 लाख का चेक अपनी तरफ से मेरे को दिया। मेरे को नहीं लगता शायद कोई इतना बड़ा प्लेयर किसी के लिए ये सब कर सकता है। तो उन्होंने कहा तू अपना बेस्ट दियो, बाकी देखते हैं। तो नेशनल के लिए तैयारी करी, बहुत अच्छी तैयारी करी, इवन होटल वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे को 1 मंथ का लीव भी दिया, मैंने इसकी प्रैक्टिस करी। तो जब मैं गया नेशनल खेलने के लिए तो ऑल इंडिया से करीब 17-18 स्टेट्स आए हुए थे जिनके काफ़ी अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स थे। ओवरऑल टाइटल तो नहीं, लेकिन मैं अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल लाया मिस्टर इंडिया में। तो वो जो लेवल था ना, जो मैंने वहाँ जीता, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार, मतलब इस लेवल पे आके जो मैं सोचता था कि मुझे करना है वो मैंने जीत लिया। अब फैमिली की कंडीशन ऐसी थी कि आगे खेल नहीं सकता, इंडिया के बाद अगला टारगेट था मेरा एशिया वर्ल्ड, वो खेल नहीं सकता था, उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ती है, मतलब इन 16-17 हज़ार रुपये से भी कुछ नहीं हो रहा था। तो मन में था यार कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। फिर जो मुझे सपोर्ट कर रहा था स्टार्टिंग से, मतलब हर डाइट पे मेरी, हर चीज़ पे मेरी, वो मेरे को सपोर्ट अभी भी कर रहा था कि मैं आगे खेलूँ। तो लास्ट ईयर कंपटीशन था स्टील मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, उसकी मैंने प्रिपरेशन करी और मैंने दोनों कंपटीशन में ओवरऑल टाइटल जीता। तो मतलब वो जो खुशी थी कि यार, मतलब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था फिट रहने के लिए, मेरा वेट 42 kg था, मुझे नहीं पता था कि आने वाले 4-5 सालों में मैं 20 से 22 मेडल, वो भी गोल्ड, आज तक मैंने कभी सिल्वर मेडल नहीं जीता। या आप इसे लक कह सकते हो, या कह सकते हो कि जिन छोटे लोगों ने, जितने भी मेरी लाइफ में छोटे छोटे हेड काफ़ी आए हैं जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, शायद उनका आशीर्वाद था। होता क्या है, जिम में जब हम एंट्री करते हैं ना, वहाँ पे कई बार देखा होगा एक बोर्ड लगा होता है नो पेन नो गेन का। तो हर कोई यही सोचता है कि यार नो पेन नो गेन का मतलब है कि 10 रेपिटेशन निकाल रहे हैं, एक और निकालेंगे, पेन होगा तभी गेन होगा, अगर पेन नहीं होगा तो गेन नहीं होगा। लेकिन ये जो नो पेन है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नो पेन है ना, जो मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको बताया ना, ये वो सारा पेन है। हम मेहनत कर रहे हैं, एक ब्लैक शीट हमारे आगे है, मेहनत कर रहे हैं, वो ऐड होता जा रहा है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। एंड मूवमेंट पे आके हम बैकआउट कर जाते हैं कि चल यार कोई नहीं, छोड़ नहीं हो रहा, हम फॉरवर्ड कर लेते हैं किसी और चीज़ में। लेकिन क्लोज आके देखो ना, तो वो सारा का सारा आपकी उस लाइफ में ऐड होता जाता है। वो जो पेन होता है, अगर वो आपने क्लियर कर लिया तो ऑटोमेटिकली गेन तो होगा ही होगा। कॉलेज का फाइनल ईयर था और बॉडी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी चल रही थी, यहाँ 3-4 मेडल्स भी आ चुके थे। उस टाइम मेरे साथ एक बहुत डीप हादसा हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, राइट फुट की 3 फिंगर्स मेरी टूट गई इंटरनली। तो गंगाराम में इलाज चल रहा था, डॉक्टर्स ने मेरे को बोला कि अभी तेरे को बॉडी बिल्डिंग रोकनी पड़ेगी, वर्कआउट तू नहीं कर सकता, ना स्क्वाट्स तू कर सकता है। तो 8 से 9 महीने का मेरा बेड रेस्ट था। काफ़ी फील था कि ठीक कब होऊंगा और वर्कआउट कब स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जब मेडल्स आ गए ऑब्वियसली आगे के लिए एक भूख होती है कि हाँ यार मेरे को करना है। डॉक्टर ने कहा था स्क्वाट करना ही नहीं है, नहीं तो तेरे को मेजर इंजरीज हो जाएंगी आगे जाके। उसकी जो बातें थी डॉक्टर की, वो मैंने दिल पे ली, दिमाग पे नहीं। दिमाग में तो ये था कि हाँ करना है। सही हुआ, स्टार्ट किया, फिजियोथेरेपी थोड़ी दिन तक की, उसके बाद सीधा वर्कआउट पे आ गया, स्क्वाट्स किया। नेक्स्ट जो टारगेट था उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। खुशी इतनी थी और आत्मविश्वास इतना ज़्यादा पड़ गया था। मैं उस डॉक्टर के पास मिठाई का डब्बा लेके गया और उनको बताया कि आपने मेरे को मना किया था वर्कआउट के लिए, लेकिन मैंने दिमाग से स्टार्ट किया वर्कआउट और इस कंपटीशन में मेरा गोल्ड मेडल आया। उसे उन्हें काफ़ी खुशी हुई। मैंने जब गेम स्टार्ट की थी, मैंने बताया था कि मैं जो लेजेंड है इंडिया के संग्राम चौगले, उनको फॉलो करता था स्टार्टिंग से ही, मतलब उनकी सारी वीडियोस देखना, मतलब वो वर्ल्ड चैम्पियन है, यूनिवर्स चैम्पियन है, गोल्ड मेडल है। तो मेरा कहीं ना कहीं सपना था कि यार हर्षित तूने इतनी मेहनत करी है, कभी इस बंदे से एक दिन ज़रूर मिलूँगा मैं। तो एक बार जब कॉम्पिटिशन के लिए मैं बॉम्बे गया तो संग्राम चौगले से मैं रेगुलर टच पे रहता था, उनकी वीडियोस देखना, उनके व्हाट्सएप पे मैसेज करना। हालांकि कभी उन्होंने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन जब मैं बॉम्बे गया उन्होंने पर्सनली मेरे से आके बात की और आज मतलब इतना अच्छा कांटेक्ट है। उनके जितने भी काम होते हैं दिल्ली के फिटनेस के रिगार्डिंग, सारे के सारे मैं देखता हूँ। तो मेरा ये जो सपना था ना कि मतलब एक जो लेवल था 42 kg वेट, आज 100+ वेट है मेरा, वो जो लेवल था कि यार मतलब इंडिया का जो चैम्पियन है उससे मैं कभी मिल पाऊँगा, तो वो सपना मेरा जो था वो पूरा हुआ। तो ऐसी आज के टाइम पे इतने सारे लोग हैं जो वर्कआउट में एंट्री करते हैं, लेकिन उनके माइंड में सिर्फ एक ही ये चीज़ रहती है, यार ये बहुत महंगी गेम है, मैं कैसे कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा। तो जब मुझे अल्सर था, मुझे तो नॉलेज भी नहीं थी कि यार मैं एक बॉडी बिल्डर बनूँगा, मतलब इंडिया का चैम्पियन बनूँगा, मुझे मेरे माइंड में ऐसा कुछ था नहीं। मैंने सिर्फ फोकस किया फिट रहने के लिए। फिट रहने के लिए मैंने फोकस किया स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको वो जो बताया था ब्लैक शीट कि हम जो कुछ करते हैं वो ऐड होता रहता है। तो जो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया वाईएमसी में जब मैंने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। तो इतने सारे चैलेंजेस मैंने एक्सेप्ट किए, क्योंकि एक अल्सर की जो प्रॉब्लम होती है वो कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर अल्सर अगर आपका फैल जाता है तो शायद कैंसर होता है। जब मैं इतने चैलेंजेस लेके इस लेवल पे आ सकता हूँ तो आप सब लोग को क्या चीज़ रोक रही है? हिम्मत रखो। बताई थी मैंने ब्लैक वाली शीट कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो ऐड होता जा रहा है, एंड मोमेंट पे आके हम बैकआउट कर देते हैं। वो मत करो। जहाँ आपने सोच लिया ना कि यार हो गया ख़त्म, वही आपका वीक पॉइंट होता है। उस वीक पॉइंट को आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ, ऐड करते जाओ, जैसे ही ख़त्म होगा सक्सेस आपके सामने होगी। थैंक यू। अगर आप सब लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी जो मैंने आपके साथ शेयर की है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जोश टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।